रहेगी बी एच डी सी 131, ठीक है, बी ए जी या जो बी ए एम प्रोग्राम है उसमें रहेगा बी एच डी सी 131, हिंदी की बुक रहेगी जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 5 को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने इसके चैप्टर करवा रखे हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4 मैंने पढ़ा रखे हैं और उनको आप इस चैनल पर जा करके जरूर देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने जो सारी क्लासेस पढ़ा रखी है आपको डायरेक्ट जैसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको ये जरूर देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में अगर आप देखेंगे तो बी एच डी सी 131 की ये रही, बी एच डी सी 131 की जो प्लेलिस्ट है यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे ना तो मैंने पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है और आज हम पांचवा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। बाकी आप 4 चैप्टर का वीडियो जाकर के चैनल की प्ले लिस्ट में से जरूर देख सकते हैं। और आज का जो हमारा पांचवा चैप्टर रहेगा सूफी काव्य धारा, यानी सूफी, इसको आप लोग इतिहास में सूफी आंदोलन, देखो जैसे हम लोगों ने इससे पहली क्लासेस में हमने भक्ति आंदोलन को पढ़ा है और भक्ति आंदोलन मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से हिंदू धर्म में जातिवाद है, छुआछूत है, उनको दूर करने के लिए हिंदू संतों ने जो एक भक्ति की धारा चलाई है या जो काव्यात्मक धारा चलाई थी जिसको हम भक्ति आंदोलन बोलते हैं, उसी प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म में या मुस्लिम कह सकते हैं कि मुसलमानों में जिस प्रकार से अगर आप देखें कट्टरवाद है, ये जिस प्रकार शरीयत को लेकर की चीजें हैं, यानी इस्लाम धर्म में जो कुरीतियां हैं या इस्लाम में जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए मुस्लिम समाज के संतों ने जिस आंदोलन को चलाया या जिस धारा भक्ति की धारा को चलाया, यहाँ पर भक्ति की धारा को चलाया, उसी को हम लोग सूफी काव्य धारा कहेंगे या सूफी आंदोलन के नाम से आप सबने इसको पढ़ा होगा। सूफी काव्य का मतलब होता है कि जो सूफी संत होते थे भाई, जिस समय भारत में भक्ति आंदोलन चल रहा है उसी समय भारत में कह सकते भक्ति आंदोलन जो है, भक्ति जो है वो तो भाई भक्ति आंदोलन पूरी तरह से अगर आप देखेंगे तो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, हिंदू धर्म हिंदू संतों ने चलाया है। उसी प्रकार से इस्लाम के जो संत हैं यानी मुस्लिम संतों ने जो चलाया है वो सूफी काव्य यानी भक्ति की धारा है। और सूफी संतों ने जो भाई अपने गीत भजन या जो उनकी कव्वाली होती थी जिसे वो खुदा को लेकर के या अल्लाह को लेकर के जो बातें कहते थे, उनके जो लिखे गए साहित्यिक चीजें हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूफी काव्य कहते हैं। और सूफी संत जो है सूफी प्रेम काव्य धारा है। देखो सूफी संत हमेशा ही भैया खुदा से प्रेम की बात करते हैं। देखो इस्लाम की अगर मैं बात करूं तो इस्लाम में कई सारे लोग इस बात को कहते थे कि जो मनुष्य है और जो ईश्वर अल्लाह है उसके बीच में उसको बताते थे कि जैसे स्वामी और यानी स्वामी और नौकर का संबंध है इस प्रकार से। लेकिन ज्यादातर संतों ने, सूफी संतों ने इस बात को बोला कि ये प्रेम का विधारा है यानी प्रेमी का संबंध है, जैसे प्रेमी और प्रेमिका का संबंध इस प्रकार से कहते हैं। सूफी जो संत है उन्होंने ईश्वर की यानी अल्लाह से प्रेम का बताया है, ठीक है, जिसको हम लोग देखेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट रहेगा सूफी काव्य क्या होता है और 5.3 में जो हम लोग देखेंगे सूफी प्रेम काव्य परंपरा क्या क्या है, सूफी काव्य परंपरा क्या है, ठीक है, और भाव व्यंजना और रस क्या है, ठीक है। ज्यादातर तो आपसे सूफी काव्य पूछा जाएगा या सूफी काव्य परंपरा आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, यानी 5.2 और 5.3 जो रहेगा ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो कि अब सबसे पहले हम लोग सूफी काव्य थोड़ा सा पढ़े। देखो भैया सूफी मत इस्लाम धर्म की एक उदार शाखा है। देखो इस्लाम में कट्टरवाद है यानी इस्लाम जो है अपने धर्म के नियम कानूनों को लेकर के बड़ा सख्त धर्म है, ठीक है, यानी इस्लाम में जो एक उदार शाखा चली यानी थोड़ा सा यानी कह सकती कि थोड़ा उन्होंने रवैया बदला, तो इस्लाम धर्म में जो एक उदार शाखा चली जिसका उदय इस्लाम के अस्तित्व में आने के बाद हुआ है। देखो तो भैया पहले इस्लाम धर्म आया और इस्लाम धर्म में जो कट्टरवाद था उसको देखते हुए कि उन आगे चल करके वहां पर एक उदार शाखा जो थी सूफी आई। सूफी संप्रदाय या मत का प्रवेश इस देश में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती यानी 12वीं सदी। देखो भारत में अगर मैं बात करूं तो भारत में जो सूफी आंदोलन है, जो भारत में सूफी संप्रदाय है उसका प्रवेश जो है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जिसकी अजमेर शरीफ में दरगाह है जिसको काफी लोग वहां पर चादर वादर चढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, तो उनसे हुई है। जो भारत में अगर आप देखेंगे तो सबसे फेमस जो सूफी संत हैं वो मुइनुद्दीन चिश्ती हैं, ठीक है, या ख्वाजा गरीब नवाज के भी नाम से इनको जानते हैं, ठीक है। 12वीं शताब्दी के समय से माना जाता है।
सूफी के चार संप्रदाय इस देश में। देखो सूफी संप्रदाय वैसे सूफी संत जो सूफी हैं 14 सिलसिले थे, ठीक है भाई, इतिहास जो है 14 सिलसिले बताता, लेकिन भारत में मुख्य रूप से अगर आप देखें, देखो सिलसिले मतलब समझते हो, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं बाबा बाबा होते ना, कि भैया जैसे गोरखनाथ बाबा हैं या नागा बाबा हैं, फलाने बाबा, जैसे हमारे यहाँ अखाड़े वखाड़े होते ना हिंदू धर्म में, उसी प्रकार से कह सकते इस्लाम में जो धर्म गुरु है ना वहां पर सिलसिले बोलते हैं, ठीक है, 14 सिलसिले होते हैं। लेकिन हिंदी में खास तौर से अगर आप भारत में देखेंगे सूफियों के चार संप्रदाय हैं, यानी चार प्रकार के सूफी संत होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया मेरे सूफी संत? चार प्रकार का होता है, चार प्रकार के संप्रदाय। कौन है? पहला भैया चिश्ती संप्रदाय, ठीक है, जो सबसे फेमस रहा, ठीक है। दूसरा सोहरावर्दी संप्रदाय, तीसरा है कादरी संप्रदाय, और चौथा है नक्शबंदी, यानी चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी, और भी सतारी वतारी कई टाइप से हैं, ठीक है। ये चार मुख्यतः भारत में रहे। इन सूफी संतों ने उच्च विचार, सादा जीवन, देखो एक बात है कि सूफी संतों ने हमेशा अच्छे विचार धारण करो भैया, और सादा जीवन जियो, ठीक है, और ईश्वर से प्रेम करो, अल्लाह से प्रेम करो। इस पर ही इन्होंने क्या दिया है? बल दिया है। भारत, भारतीय सूफी संतों ने भारत में प्रचलित कथाओं, लोक कथाओं का आश्रय लेकर के अपने आध्यात्मिक विचारों को जनता तक पहुंचा। देखो भारत में जो सूफी संत हैं, जो भारत में जब सूफी आंदोलन आया तब वह भारतीय परंपरा यानी भारत में जैसे ट्रेडिशन है उस प्रकार की कथाओं को लेकर के वो बात करता था और आध्यात्मिक विचारों को फैलाया जनता तक। देखो इस्लाम में जनता को धार्मिक रूप से जागरूक करने की जो धारा चली है वो सूफी संतों ने किया। सूफी शब्द की उत्पत्ति, इस बात पर विद्वान का विषय नहीं भाई, सूफी जो शब्द है कहां से आया इसको लेकर के विद्वानों में बड़ा विवाद है, ठीक है। कुछ विद्वान की धारणा है कि सूफी सफा से बना, मैंने वही बता, सफा शब्द से बना, जिसका अर्थ होता पवित्रता, ठीक है, सफेद या पवित्रता, मैंने बोला था पवित्र बोलते, शुद्ध बोलते कहीं कहीं, ठीक बोलता जाता है। इस धारणा के अनुसार सूफी उन्हें कहना चाहिए, भैया सूफी उसका कहना है जिसका मन पवित्र है, यानी जिस व्यक्ति का मन वचन कर्म पवित्र कहे जा सकते उसी को हम लोग कह सकते हैं सूफी। यानी भैया जो आदमी अपने मन से बहुत पवित्र है, शुद्ध है, मन से, वचन से, कर्म से, उसी को सूफी कहा गया। एक दूसरे मतानुसार सूफी शब्द हृदय के निष्कपट यानी निश्चल भाव को बताता है, इसलिए सूफी ऐसे व्यक्ति को कहना चाहिए जो परमात्मा के प्रति निश्चल, नहीं भैया पर भगवान के प्रति अगर आप में, भाई भगवान की तुम बहुत ईश्वर की अल्लाह की तुम पूजा करते हो लेकिन तुमसे उनसे कुछ पाना नहीं है, और बिना तुम प्रेम में सिर्फ अल्लाह से पूजा कर रहे हो, अरदास कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसको यानी व्यवहार को बोलते हैं। एक तीसरा मत यह है कि सूफी शब्द सोफिया से निकला जिसका अर्थ है निर्मल ज्ञान, ठीक है। इस अर्थ के अनुसार निर्मल ज्ञानी व्यक्ति सिर्फ सूफी कहलाने के अधिकारी, नहीं जो व्यक्ति बड़ा निर्मल है, बहुत शुद्ध है और ज्ञानी है उसी को हम लोग सूफी कह सकते हैं। यानी सूफी को लेकर के अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से बताते हैं। कुछ लोग सूफी कहते हैं कि सबसे आगे की पंक्ति, इसके अनुसार सूफी केवल उन्हीं व्यक्तियों को कहा जा सकता है जो कयामत के दिन ईश्वर का प्रिय पात्र होने के कारण सबसे आगे पंक्ति में, भैया जिस दिन कयामत आएगी तो भैया वो आदमी सबसे आगे खड़ा रहेगा उसको सूफी कह सकते हो। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो सूफी को लेकर के अलग अलग मत हैं, अलग अलग विचार हैं। देखो यह केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए हम सूफी कह सकते हैं। देखो सूफी शब्द जो है वो सफा से बना, ठीक है, सफा से बना था, और सूफी में भैया सूफी जो संत होते थे उन्हीं कपड़े पहनते थे, मोटे मोटे उन्हीं वस्त्र का व्यवहार करते थे, और सूफी संत हमेशा भोग विलास से दूर रहते थे, सादा जीवन जीते थे। कैसा जीवन जीते थे? सादा जीवन जीते थे। चिश्ती संप्रदाय के संत हैं, चिश्ती संप्रदाय के संत जो होते थे ना इनको पता उस समय के बादशाह बुलाते हैं, ठीक है, बादशाह बुलाते हैं। आपको पता होगा कि जब ये बादशाह बना था, अगर मैं बात करूं अलाउद्दीन खिलजी एक सूफी संत है, उनको बुलाया था, उन्होंने बोला अलाउद्दीन खिलजी बुला रहा है, आपको बादशाह बुला रहे हैं और आपको चलना है। उस सूफी संत ने बोला कि हम नहीं जाएंगे, तो बोला बादशाह खुद आपसे मिलने आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला था कि मेरी खानका यानी हमारे यहाँ पर दो दरवाजे हैं, अगर एक दरवाजे से बादशाह अगर इधर से आएगा तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। तो सूफी संत, बहुत सारे सूफी संत ऐसे थे भैया राजा से दूरी बना के रखते थे। बहुत सारा ऐसा सूफी संत है कि वो खुद राजा के समपक्ष में रहे। तो सूफी संत हमेशा भोग विलास से सादा जीवन जीते थे।
ऐसे ऐसे सूफी संत हुए हैं कि जो यानी सिर्फ या रात में सिर्फ दिन में सोते थे, रात में सोते ही नहीं थे, ऐसे ऐसे सूफी संत हैं। जो सूफी संत हुए या जो इस्लाम में जो सूफी का भाई सादा जीवन था, भोग विलास से दूर रहते थे और धन इकट्ठा उकट्ठा नहीं करते थे लोग, ठीक है, यानी जनता में जनता को जागरूक करते रहते थे। अगर हम बात करें विद्वानों और मुस्लिम आदिम आदि अंतिम मत उन्हीं पहनने वाले सूफी को ही स्वीकार करता है। नहीं, कुछ लोग कहते हैं जो सूफी संत होते भैया जो उन्हीं कपड़े पहनते थे, ऐसे इस्लाम में अगर आप देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली की भूमिका में सूफी और सूफी मत का परिचय देते हुए कहा, आरंभ में सूफी एक प्रकार के फकीर या दरवेश थे जो खुदा की राह पर अपना जीवन, नहीं सूफी कहते एक प्रकार के फकीर टाइप के होते थे, फकीर जैसे मुस्लिम जैसे हमारे यहाँ बाबा बाबा बोलते हैं ना, उसी प्रकार से वहां पर इस्लाम में फकीर शब्द का यूज होता है, ठीक है। दीनता और नम्रता के साथ बड़ी फट हालत के दिनों में बिताते थे, उनके कंबल लपेटे रहते थे, ठीक है, सूफी संतों को भूख प्यास सताते रहते, ईश्वर में ईश्वर के प्रेम में लीन रहते थे। भैया जो सूफी संत है अगर आप देखोगे ये हमेशा ईश्वर से प्रेम में लीन रहते थे, ठीक है, और इनको रुपया पैसा धन दौलत इसकी कोई जरूरत नहीं थी। सूफी संतों की अगर हम लोग बात करें, कुछ दिनों तक इस्लाम की साधारण धर्म शिक्षा का पालन में विशेष त्याग और आग्रह के अतिरिक्त इनका कोई नई बात नहीं दिखाई पड़ती। शुरू शुरू में अगर आप देखोगे सूफी संत हमेशा इस्लाम में भैया सिखाते रहते थे अच्छी बातें इस्लाम के लोग इस्लाम में, पर ज्यों ज्यों इनकी साधना कह सकते हो कि मानसिक पक्ष की ओर आगे बढ़ी, त्यों त्यों इस्लाम के बाह्य विधानों का उद्देश्य नहीं इस्लाम में जो आडंबर है जो पाखंड है उनको भी इन्होंने दूर करने का प्रयास किया। आता यानी सूफी संत जो भैया अंतःकरण की पवित्रता और हृदय के प्रेम को ही मुख्य कहने लगे, ईश्वर के भगवान के प्रति जो इनकी भक्ति है, अल्लाह के प्रति जो इनकी भक्ति है, उस प्रेम को दिखा रहे हैं। जाहिर है कि सूफी उन संतों या फकीरों को कहते हैं जो सादा जीवन उच्च विचार और कठोर साधना करके अपना जीवन भैया जो भोग विलास से दूर रहता था और सादा जीवन जीता था, अच्छे विचार थे और सादा यानी सामान्य जीवन व्यतीत करते थे और भोग विलास ऐश आराम से दूर रहते थे, उनको हम लोग सूफी कह सकते हैं। प्रेम यानी ईश्वर के प्रेम में लीन रहना ही उनका जीवन का उद्देश्य, यानी वो सिर्फ अल्लाह के प्रेम में ही लीन रहती थी, उन्हीं को हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सूफी संत कह रहे हैं। क्या भैया? जो सिर्फ भगवान से प्रेम करता है, ठीक है, यानी यहाँ पर अल्लाह यानी ईश्वर से, यहाँ पर ईश्वर की जगह आप अल्लाह भी कह सकते हैं कि वहां पर ईश्वर शब्द का यूज नहीं होता इस्लाम में, ठीक है, यानी अल्लाह से प्रेम करने में क्या रहते थे, लीन रहते, यानी भगवान से प्रेम करता रहता था, ठीक है, उसी में ले और भोग विलास नहीं रहता था, साझा जीवन जीते थे, उच्च विचार होता था, उन्हीं को हम लोग क्या करें, सूफी करें। सूफी मत और सिद्धांत क्या है? देखो भैया सूफी जो संत होते थे इनके क्या क्या सिद्धांत थे, क्या क्या रूल, इनके क्या नियम थे, क्या कानून थे, कैसे रहते थे? देखो सूफी संत प्रेम साधना को समझने के लिए आवश्यक है कि हम उनके नहीं भैया सूफी जो संत हैं वो ईश्वर से कैसे प्रेम करते थे, भगवान से कैसे प्रेम करता था, इसको समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि कैसे थे। साथ यह भी जानना जरूरी कि सूफी प्रेम दर्शन का आधार क्या है। सूफी फकीरों ने समाज के कष्टों को दूर करने के लिए व्यक्तिगत साधना को उच्च, देखो सूफी संत कहते थे भैया जो समाज में हर आदमी को दुख फैला है, समाज में जो आदमी दुखी है, ठीक है, उस दुख को दूर करने के लिए कहते थे व्यक्ति को ईश्वर की साधना करनी पड़ेगी, ईश्वर की भक्ति, और कहते थे कि व्यक्ति को अपना अहंकार त्याग दो, अहंकार त्याग के ईश्वर के प्रेम के मार्ग पर चलो, प्रेम के मार्ग को इन्होंने बढ़ाया है, ठीक है। विद्वानों का आदर किया, वेद पुराण कुरान को कल्याण पथ की ओर ले जाने वाला वचन घोषित किया, ठीक है, यानी सूफी संतों का कहना था कि भैया दुनिया में हर आदमी को कष्ट है, हर आदमी को दुख है, तो हर आदमी दुख और कष्टों से तभी बच सकता है कि जब ईश्वर की साधना करे, ईश्वर की वंदना करे, ईश्वर की पूजा करे, ईश्वर से प्रेम करे, ठीक है, और अहंकार को भैया त्याग दो, अहंकार घमंड को मत रखो। जायसी ने रामानंद वल्लभाचार्य, देखो सूफी संत हिंदू संतों से बड़े रिलेट करते हैं, ठीक है, क्या मैंने बोला कि जो इस्लामिक धर्म गुरु हैं हिंदू धर्म गुरुओं से साथ भी उनके काफी अच्छे संबंध है, इसलिए तो भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन हम जब हम साथ में दोनों पढ़ते हैं तो हमें पता चलता कि इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने में बड़ा अपना योगदान दिया। तो मलिक मोहम्मद जायसी एक सूफी संत है, ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने रामानंद वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु की
अहिंसात्मक वैष्णव विचार का प्रवाह की भक्ति के राग से मुक्त हृदय को अपना लिया। यानी कह सकते कि हिंदू संतों के जो अच्छे विचार थे वो सूफी संतों ने अपनाए, और सूफी संतों की जो अच्छी बातें थी वो हिंदू संतों ने अपनाए। यानी एक दूसरे ने कह सकते हो कि अपनाते रहते थे, जो अच्छे अच्छे विचार होते थे, अच्छी अच्छी चीजें होती थी, भाई इस्लाम में जो अच्छी अच्छी बातें सूफी संत कह रहे हैं वो हिंदू लोग भी अपना लेते थे, और हिंदू संत जो अच्छी बात कह रहा है भैया इस्लाम के लोग भी अपना लेते थे, भैया अच्छी बातें बता रहा है ना। तो कह रहे कि हिंदू धर्म में जो अहिंसा है उसको कह सकते सूफी संतों ने अपने हृदय में अपनाया, वह उग्र हिंसा में वाग मार्ग साथ नहीं देते थे। यानी सूफी संतों ने हिंसा का रास्ता नहीं, यानी उसको नहीं अपनाया, क्योंकि नहीं देते थे वाग मार्ग, यानी प्रति समाज का आदर भाव ना हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि तंत्र मंत्र वाले संतों की निंदा तुलसीदास ने की है। देखो, एक तो सूफी संत हो चाहे हिंदू में भक्ति आंदोलन संत हो, भैया यहाँ पर तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक, टोना टोटका, इसका इन सब ने खंडन। एक तो इस्लाम में भी झाड़ फूंक बहुत है, तंत्र मंत्र बहुत है, ठीक है, झाड़ा फूंक लगवाने वाला इस्लाम में बहुत ज्यादा है, ठीक है, इस्लाम में बहुत चलता है, वहां पर भी झाड़ फूंक दुनिया भर का चलता है, ठीक है, भूत प्रेत वहां भी बहुत घूम रहा है, ठीक है। तो उसकी निंदा की है। हिंदू धर्म में भी दुनिया भर का तंत्र मंत्र बहुत है, बाबा के पास कोई जा रहा, कोई कुछ करने जा रहा है, ठीक है, दुनिया भर का ये सब चलता है। तो भैया इस्लाम में जो झाड़ फूंक है, तंत्र मंत्र चल रहा है, बाहरी आडंबर जो है, इस्लाम में हो चाहे हिंदू धर्म में हो, दोनों का लोगों ने क्रिटिसाइज किया है। तो तुलसीदास यानी तंत्र मंत्र का उन्होंने निंदा की है। उसी प्रकार से कहते थे कि मलिक मोहम्मद जायसी भी ऐसे कहते, यानी अगर आप देखोगे मलिक मोहम्मद जायसी हो या तुलसीदास हो, तुलसीदास अगर आप देखेंगे हिंदू संत हैं और मलिक मोहम्मद जायसी सूफी संत में है, ठीक है, तो अगर आप देखोगे दोनों ने ही भैया भूत प्रेत, झाड़ फूंक, टोना टोटका, इसका इन्होंने इसकी निंदा की है। ये सही नहीं भाई, गलत है, लोगों में इसका इन्होंने विरोध किया है, ठीक है। क्या क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सद्गुण, क्या निर्गुण, सब एक प्रकार के साधु फकीर का महत्व स्वीकार कर चुके थे। निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले सूफी पशु हिंसा के खिलाफ थे। भैया सूफी संतों ने पशु हिंसा की आलोचना की, भैया जानवर को नहीं मारना है, पशु की बलि नहीं देनी है, बल्कि ऐसा हिंदू धर्म में था। वैसे इस्लाम अगर आप देखेंगे तो पशु की बलि की तो बात है इस्लाम में, ठीक है, लेकिन अगर जब सूफी आंदोलन चला है तो सूफी आंदोलन ने जो हिंदू धर्म की जो चीजें हैं उसको भी उसने अपनाया है। तो भैया सूफी संत अगर आप देखेंगे तो पशु हिंसा के खिलाफ खड़े, इसीलिए तो जब सूफी आंदोलन चला कई सारे लोगों ने कई सारे सूफी संप्रदाय का विरोध किया, ठीक है, क्योंकि इस्लामिक जो नियम कानून के खिलाफ भी चीजें हैं। अगर जैसे मैं बताऊं, जैसे अगर आप देखोगे कि जब अकबर ने यानी जजिया खत्म किया तो कई सारे सूफी संतों ने उसका विरोध किया कि आपने ऐसा क्यों खत्म कर दिया। और देखो क्या है, सूफी संत भी अलग प्रकार के हैं भाई मेरे, ऐसा हर सूफी संत नहीं है, एक जैसा नहीं है, अलग अलग टाइप के। जो अगर मैंने अभी चिश्ती बता, चिश्ती बहुत चिश्ती ठीक है, चिश्ती संप्रदाय जो है ये थोड़ा अलग देखेगा, वो सोहरावर्दी अलग है, सतारिया बिल्कुल अलग है। कुछ सूफी संत ये कहते थे कि भाई जो मुसलमान नहीं है उनको मुसलमान बना लो और बंदूक के यानी नोक के दम पर, ऐसे किताबों में बोला गया, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा बोला गया। और बहुत सारे सूफी संत जो हैं वो हिंदू धर्म की मान्यताओं को भी उन्होंने अपनाने का प्रयास किया है। अगर मैं बात करूं जैसे मैंने बोला कि अकबर ने जब जजिया हटाया, हिंदू धार्मिक जो कर हटा, तो कई सारे सूफी संतों ने उसकी घोर आलोचना की। और जब देखोगे जैसे अगर बात करोगे, जब हम बात करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि औरंगजेब ने भाई म्यूजिक बंद करवा दिया क्योंकि इस्लाम में संगीत का कोई महत्व तो नहीं है, ठीक है, तो कई सारे सूफी संतों ने उसका विरोध किया और कई सारे उनको सपोर्ट किया। देखो शरीयत को लेकर के सूफी संतों में काफी डिवीजन है। कुछ सूफी संत कहते हैं कि भाई शरीयत में कोई बदलाव ना हो, और कुछ सूफी संतों का कहना था शरीयत में बदलाव। शरीयत क्या है? शरीयत कह सकते इस्लामिक रूल बुक है, नहीं, इस्लाम धर्म में कैसे नियम कानून होंगे, शादी कैसे होगा, ब्याह कैसे होगा, सारी चीजें कैसे चलेंगी, नहीं, मैरिज फैमिली फलाना फलाना, ये संपत्ति के राइट वाइट कैसे होंगे, वो सारे नियम कानून किसमें लिखे गए, वो शरीयत में है, ठीक है, जिसको हम शरीयत ये कह सकते हैं, इस्लामिक रूल बुक उसको आप लोग कहते हैं, इस्लामिक नियम कानून की किताब कह सकते हैं। तो उसमें इसको लेकर के बड़ा डिबेट है, ठीक है। दरअसल पैगंबरी एकेश्वरवादी और दार्शनिक अद्वैतवाद के बीच भेद गहरा है, पर भारत में आकर के उन्होंने सूफी साधकों को शुद्ध एकेश्वरवाद यानी
वर्ग का सार्थक मानते ग्रहण नहीं किया। इन सूफियों ने चिंतन संप्रदाय अद्वैतवाद विशेषकर अनुरक्त प्रधान की बात की। तो ये अगर आप देखो सूफी संतों में भी क्या है, बहुत सारा हमको डिवीजन देखो। प्रायः सूफी ईश्वर और जगत को आत्मा परमात्मा एक मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद दुबे ने लिखा है कि मुसलमान लोग एकेश्वरवादी हैं, इसलिए बहुत लोग मुस्लिम सूफी साधकों को ही एकेश्वरवादी समझ लेते थे। क्योंकि मैंने भी आपको कई बात है, इस्लाम जो धर्म है एकेश्वरवादी, एकेश्वरवाद का मतलब था एक ही ईश्वर की पूजा करना ही एकेश्वरवाद है। और सबको पता है इस्लाम एकेश्वरवादी है, क्योंकि इस्लाम सिर्फ अल्लाह को मानता है, बाकी के। अगर उसी प्रकार से हिंदू धर्म बहुदेववादी है, हिंदू धर्म में क्या है, बहुदेववाद है, कई सारी देवी देवताओं की पूजा करता है, कौन करता है, हिंदू धर्म। बहुत लोग हिंदुओं के पुराने ग्रंथों में आए हुए अद्वैतवाद में एकेश्वरवाद को अभिनंग मानते हैं, परंतु सूफी लोग ठीक एकेश्वरवादी नहीं है। उनका विश्वास है कि बहुत कुछ देशों में विशिष्ट द्वैतवादी दार्शनिक मत की भांति है। विशिष्ट द्वैतवादी दार्शनिक व्यवहार धर्म की भक्ति ही है, न कि साधकों के व्यवहारिक धर्म की भक्ति है। देखो यानी सूफी चिंतक मनुष्यों के चार विभाग मानते थे। सूफी संत जो चार, जैसे नफ यानी विषय भाग, वृत्ति और इंद्रियां, आत्मा चित्त हृदय और बुद्धि, यानी चार चीजें, यानी मनुष्यों में चार चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सूफी संत मानते थे। कौन थे मानते थे भैया, सूफी संत मानते, यानी इंसानों में चार चीजें क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। सूफी चिंतक जगत चार रूप का मानते थे, अगर आप देखें यानी इसका कितने मानते, चार। जैसे देखो सूफी मत में साधक की चार अवस्थाएं, यानी जो सूफी मत है उसकी चार मत, जैसे अगर आप देखो शरीयत क्या है, शरीयत क्या है देखो, अर्थात धार्मिक ग्रंथों के विधि निषेधक सम्यक पालन, यहाँ हमारे यहाँ का कर्मकांड भी कहा जा सकता है शरीयत। शरीयत एक प्रकार से क्या है, धार्मिक रूल बुक, ठीक है। तक्रियत जैसे अर्थात बाहरी क्रियाकलापों से होकर के परे केवल हृदय की शुद्धता पर जो हकीकत क्या है, अर्थात भक्ति और उपासना के प्रभाव को सत्य का बोध है, इस बोध से ही कह सकते कि जो साधक है, यानी ज्ञान कांड समझना चाहिए। मार्फत क्या है, यानी सिद्धवाद, जिसमें कठिन उपासना और मौन आदि की साधना द्वारा अंत तक साधक की परमात्मा ने, यानी चार चीजें क्या है सूफी मत में आती है, क्या, शरीयत, ठीक है, ताकि तरीकत, हकीकत, मार्फत, ये चार चीजें इसमें क्या मानी जाती हैं, शरीयत। देखो ईश्वर की सत्ता का सार प्रेम है। देखो सूफी संतों ने एक चीज बता दूं, जितने भी सूफी संत हैं एक ही बात को कहते हैं कि भैया ईश्वर को सिर्फ प्रेम के जरिए पाया जा सकता है। ईश्वर से प्रेम पर बहुत ज्यादा बल दिया अगर आप देखेंगे, ठीक है, किससे किसके किससे प्रेम पर बल दिया गया, अगर आप देखें सूफी संतों ने किससे, भैया ईश्वर से प्रेम पर सबसे ज्यादा इन्होंने क्या दिया, बल दिया है, ठीक है। माजजी यानी इक्स हकीकत, यानी आध्यात्मिक प्रेम की ओर हमको लेकर के जाना है, यानी ईश्वर से भैया क्या करो, इक्स करो, ठीक है, यानी क्या है, प्रेम करो, यानी फना हो जाना, एक शब्द इसमें आता ना, तेरे प्यार में फना हो जाओ, फना यानी एक प्रकार से क्या है भैया, ईश्वर के यानी खुद को उसके चरणों में खुद को यानी कर दो, कर देना है, ठीक है, यानी प्रेम में लीन हो जाना है, ठीक है, क्या हो जाना भैया, प्रेम में लीन हो जाना है, ठीक है, फना है, जैसे बोलते हैं फना, क्या ईश्वर से यानी ईश्वर के चरणों में बढ़िया लीन हो जाओ, ठीक है, इस बात, यानी ईश्वर से प्रेम पर सबसे ज्यादा बल किसमें दिया गया है, ये सूफी संतों ने दिया, ठीक है, ईश्वर से प्रेम करो, ईश्वर की प्रेम करो, ईश्वर से ज्यादा ज्यादा, देखो ईश्वर से प्रेम को एक दो चीज बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं भैया ईश्वर और जो ईश्वर जो मनुष्य का संबंध है वो प्रेमी और प्रेमिका का है, और कुछ लोग कहते थे कि भैया इसमें स्वामी और स्वामी का है और नौकर का है, ऐसे दो लोग, यानी ईश्वर से प्रेम में ज्यादातर सूफी संतों ने बोला कि प्रेमी और प्रेमिका का संबंध किसमें है, यानी मनुष्य में और ईश्वर में, यानी ईश्वर यहाँ अल्लाह भी कह सकते हैं, ठीक है। सूफी प्रेम काव्य परंपरा क्या है, देखो सूफी संतों ने प्रेम काव्य परंपरा यानी ईश्वर से प्रेम पर सबसे भैया सबसे ज्यादा बल दिया, किससे, ईश्वर से प्रेम करो, सभी सूफी संतों ने किससे भैया प्रेम पर, जायसी की बात करें, इन्होंने पद्मावत लिखा, उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा उन्होंने किस पर दिया, ईश्वर से प्रेम पर ही बल दिया गया है, अगर आप देखेंगे जितने भी संत है। देखो सूफी प्रेमाख्यान का स्वरूप क्या है, यानी सूफी संतों ने जो प्रेम को लेकर के अपने जो आख्यान दिए, जो विचार दिए, जो प्रवचन कहे, उसका स्वरूप क्या है, प्रेमाख्यान का आख्यान शब्द कथा है, कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ दिखाई देता, किसी युग में आख्यान शब्द पुराण का ही आख्यान है के लिए प्रयुक्त होता था,
इसके भीतर पाई जाने वाली कथाओं को उपाख्यान कहा जाता है। यही अर्थ सिद्ध करने के लिए महाभारत में भी भारत आख्यान कहा गया। आख्यान कल्पित, ऐतिहासिक, इतिवृत्त और ऋणात्मक होते हैं। सूफियों ने, देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, सूफियों ने भारत में प्रसिद्ध लोक कथाओं और लोक कथाओं और लोक गाथाओं का अपनाया, उन पर अपने सिद्धांतों का रंग चढ़ाया। सूफी आख्यान प्रेम में चार प्रकार, सूफी जो प्रेम है उस चार प्रकार से है। चित्र दर्शन, यानी मानव और पक्षी से नायिका का चित्र देखना, यानी जैसे मानव और पक्षी में नायिका के चित्र को देखना चित्र दर्शन है। स्वप्न दर्शन क्या है? स्वप्न में सुंदर राजकुमार को देखना, प्रेम राग शुरू कर देना, जैसे करता, जैसे कोई सीसी लड़की ने भैया एक लड़की को सपने में देख लिया, बहुत सुंदर लड़का, उससे प्रेम करने लग जाती है, तो उसी प्रकार से हम लोगों को भगवान से प्रेम करना है, ठीक है जी। चित्र दर्शन क्या है? जैसे मान लीजिए कि किसी मानव ने किसी पक्षी का चित्र देखा, तो वह नायिका को सोचने लगा, हीरोइन को सोचने लगा कि ठीक है, उस प्रकार से ईश्वर से प्रेम करना है। गुण श्रवण क्या है? मानव और पक्षी के गुणों का रूप सुन करके आसक्त हो जाना, जैसे पद्मावत में हीरामत तोते द्वारा पद्मावती का, जैसे मान लो कोई आदमी बता रहा है कि फलाना व्यक्ति बहुत गुणकारी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लड़का है और बहुत विद्वान टाइप का आदमी है, उससे आदमी प्रेम करने, यानी तुमने किसी के बारे में सुना और तुमको उससे प्रेम हो गया, ठीक है जी। उसी प्रकार से अगर तुम भगवान के बारे में सुनो, ईश्वर के बारे में सुनो, तो क्या तुमको उससे प्रेम हो जाए, यानी तुम उसका सपना देखो, सपना जैसे एक लड़की जैसे राजकुमार को देखती है सपने में, तो उससे प्रेम कर लेती है, भैया मेरा दूल्हा लड़का ऐसा होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से हमको ईश्वर से प्रेम करना, अगर हम ईश्वर को सपने में देख लें, अगर ईश्वर का हमने चित्र देख लिया यानी फोटो देख लिया, तो हमको प्रेम में पड़ जाना, जैसे कोई किसी लड़के ने किसी लड़की का फोटो देख लिया, ठीक है, उसके प्रेम में पगला गया है, उसी प्रकार से तुमको ईश्वर का फोटो देख करके पगला जाना है जी, ठीक है। गुण श्रवण का मतलब यानी तुमने किसी के गुण सुन लिए कि फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसमें ये गुण है, ये संस्कार है, ठीक है, उसका उसकी किसी ने बखान कर दिया, उसका बता दिया कि बहुत अच्छा है, बहुत गुणकारी है, बहुत अच्छा नेचर का व्यक्ति है, तो तुम उसके प्रेम में पड़ गई, क्या पड़ गए, ठीक है, ये गुण श्रवण है। प्रत्यक्ष दर्शन, प्रत्यक्ष यानी साक्षात तुमने आमने सामने किसी को देख लिया और तुम बिल्कुल मोहित हो गए हो, बिल्कुल प्रेम में पड़ गए हो। इसी प्रकार से यह परंपरा बहुप्रचलित रही, यानी हमको ईश्वर से, भैया ईश्वर का फोटो देख लो, ईश्वर को सपने में देख लो, ईश्वर का तुमने गुण सुन लिया है, और चाहे ईश्वर को साक्षात देख लिया, कहीं पर भी तुमको सिर्फ ईश्वर से प्रेम में पड़ जाना, ईश्वर से प्रेम करना, चाहे तुमने ईश्वर का चित्र देखा हो, चाहे ईश्वर के स्वप्न में देखा, सपने में देखा हो, चाहे तुमने भैया ईश्वर को, ईश्वर के गुण सुन लिए हो, भाई ईश्वर बहुत गुणकारी, उससे प्रेम करना है, और चाहे तुमने उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया है। प्रेमाख्यान सूफी काव्य में नायक यानी प्रेम की पीड़ा को लेकर के जोगी हो जाते हैं, राजपाट धन दौलत छोड़ करके प्रेमिका के, जिस कह रहे हैं कि भैया हमको भगवान के प्रेम में बिल्कुल पड़ जाना है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत बड़ा राजा हो और किसी लड़की से अगर प्रेम में पड़ जाए, तो अपना राजपाट छोड़ करके उस प्रेमिका का जैसे दीवाना हो जाता है, तो वैसे तुमको भगवान का दीवाना हो जाना है, ठीक है जी। ये कह रहा है, यानी क्या है कि राजपाट छोड़ करके, धन दौलत छोड़ करके प्रेमिका के लिए दीवाने हो जाते हैं, सात समुद्र पार करने का कष्ट उठाते हैं, कभी कभार प्रेमिका को पाने के लिए घोर संग्राम यानी युद्ध भी करना पड़ता है, ये प्रेमी केवल विकट यात्राओं में निकलते हैं, वरना अनेक प्रकार के कष्ट यातनाओं को सहते हैं, यानी जिस प्रकार से, यानी तुमको भगवान को पाने के लिए सात समुद्र पार करना पड़े तो करो भाई, तुमको दुख उठाना पड़े दुख उठाओ, तुमको युद्ध करना पड़े तो युद्ध करो, तुमको ईश्वर का प्रेम को पाना है जी, क्या कैसे पाना है, ठीक है। प्रेम ही सार सर्वस्व है, यानी प्रेम ही क्या है, सब कुछ है, ठीक है, उसको पाने के लिए तुमको बिल्कुल क्या हो जाना, फना हो जाना। फना एक शब्द बड़ा होता है, सूफी संतों ने सबसे फना हो जाना, ठीक है, जैसे तुमने गानों सुना तेरे प्यार में फना हो जाना, फना शब्द वहीं से आया है, ठीक है, अगर आप देखेंगे। और सूफी संतों ने जिस प्रकार से प्रेमी प्रेमिका के संबंध को बताया, भाई ईश्वर और मनुष्य के बीच का जो संबंध है वह कैसा संबंध है जी, प्रेमी और प्रेमिका, उससे पहले जो माना जाता था, मोस्टली इस्लाम में माना जाता था
कि मनुष्य का और ईश्वर का एक प्रकार से स्वामी और नौकर का संबंध बताते थे, ऐसा नहीं। सूफी संतों ने इस बात को कहा कि भाई ऐसा नहीं कि वो ये नहीं, हमारा जो संबंध है ईश्वर का और जो मनुष्य का संबंध है वह प्रेमी और प्रेमिका का संबंध है। ठीक है, जब मजनू की खबर, मरने की खबर लैला को मिलती है तब लैला विरह की तीव्रता में तड़प उठती है। ठीक है, ज्यादातर भारतीय प्रेम कथाएं सुखात्मक होती हैं, पद्मावत जैसी दुखांत रचना सृजन भारतीय भूमि पर बहुत कम। देखो एक बात, भारत में जो भी प्रेम कहानियां रही वो सुखद कहानियां, देखो भारतीय कहानियों का, भारतीय कथाओं का एक बड़ा ये अच्छा है कि भारत में हमेशा हैप्पी एंडिंग दिखाई देती है ना। कि जैसे मान लो कोई लड़का किसी लड़की से भैया बहुत प्रेम कर रहा है, ठीक है, फिल्मों में देखा होगा तुमने पहले 90 के दौर में, 80 और 90 के दौर में ऐसी फिल्में खूब बनी हमारे यहाँ। ठीक है, कि क्या होता था कि लड़का बेचारा बड़ा परेशान है, सारी समस्या उठा रहा है, लास्ट में कुछ भी कुछ ना करके उससे उसकी शादी हो जाती है। लेकिन अगर आप देखेंगे लैला मजनू की जो कहानी है इस्लाम में, अगर आप देखेंगे तो प्रेम को दुखांत दिखाया गया, यानी कितने सारे उसने दुख उठाए हैं। और भारत में ऐसी कहानियां अगर आप देखेंगे तो बहुत कम होती है। जायसी ने अपने समाज में उनमें रचित सत्ता संघर्ष को देखते हैं, उनकी विशेषता है कि उन्हें समूचे परदेश में पूर्व ग्रीन हीन आंखों से देखा। अगर आप देखें अलाउद्दीन के बारे में जायसी जैसे बोलते हैं, तो आप देखो जायसी की बात करूं या इस्लाम में यही है भैया, ईश्वर से प्रेम पर कह सकते हैं सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या दिया है, बल दिया गया है। सूफी प्रेमाख्यानों के मूल मूल प्रेरणा क्या है, सूफी साधक परमात्मा रूपी प्रेतमा से मिलने के लिए तड़प रहा है। जिस प्रकार से प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए तड़पता है, उसी प्रकार से भैया जो सूफी संत हैं वो अपने भगवान से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं जी। ठीक है, प्रियतमा से वियोग को असहनीय मान करके वह विरह कुल में रहते हैं। यानी जो सूफी संत हैं, जिस प्रकार से आदमी जैसे कोई मिलता नहीं, जैसे मान लो कि प्रेमी को प्रेमिका नहीं मिलती तो बेचारा तड़प रहा है और ऐसी पीड़ा दर्द ऐसा है असहनीय का मतलब है इतना दर्द है कि जो सहन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सही नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी उसके उसको पाने के लिए वो बेचारा विरह कुल में रहता है, यानी फिर भी दर्द में रहता है ताकि मिल जाए। ठीक है, यह विरह जड़ और चेतन दोनों को बेचैन कर देती है। इस प्रकार सूफी काव्यों की मूल प्रेरणा ईश्वर का एकाकार स्थापित करने का है, यानी ईश्वर को पाना ही इक्ष, यानी सांसारिक प्रेम को हमें छोड़ना, इक्ष यानी ईश्वरीय प्रेम को पाना है, यानी ईश्वर को, यानी ईश्वर के प्रेम में भैया क्या हो जाना है, खाना हो जाना, यानी इसको इक्ष में जाना है। ठीक है, यानी ईश्वर के इक्ष को हमको क्या है, प्राप्त ही करना है। ठीक है, उसके प्रेम में क्या हो जाना, फना हो जाना है। ठीक है जी, इसी को चाहे लैला मजनू की, जैसे लैला मजनू की जैसे बताते हैं, उस प्रकार से चाहे पद्मावत की कहानी हो, तो यहाँ पर अभी हमको सांसारिक प्रेम छोड़ करके ईश्वर के प्रेम की ओर जाना है। किसकी ओर जाना है जी, हमको सांसारिक प्रेम छोड़ करके जो ईश्वर है, जो भगवान है, उसके प्रेम की ओर, प्रेम में जाने के लिए हमको यहाँ पर क्या कहते हैं, कह रहे हैं प्रेम साधना में तपस्या का सौंदर्य है। भैया अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसके लिए जब तुम तपस्या करोगे, ये सौंदर्य है, सुंदरता है। जिस प्रकार से भाई नायिका अपने प्रेमी के लिए सज धज करके आती, इसको हम लोग सुंदरता बहुत सौंदर्य बोलते हैं, तो उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भगवान को पाने के लिए तपस्या कर रहा है, इसको मतलब वो यानी सौंदर्य है उसका, सुंदर सौंदर्य। ठीक है, सूफी प्रेम साधना और भारतीय प्रेम साधना में समान तत्व है, दोनों में ही तप का सौंदर्य है। देखो भैया सूफी संत भी तपस्या करते थे प्रेम, यानी ईश्वर का प्रेम पाने के लिए, और भारतीय संतों ने क्या, तुमने सुना होगा कि हिमालय में जाकर के लोग घोर तपस्या करते थे। ठीक है, सूफी कवियों ने अपनी सभी कृतियों में इस बात का सदा ध्यान रखा कि तप के कष्ट की महिमा में ही प्रेम की महिमा, यानी अगर तुम कठोर तपस्या करोगे तो तुमको प्रेम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, प्रेम का आधार सौंदर्य है, प्रेम का आधार क्या भैया, सौंदर्य है, जैसे बता रहे हैं। ठीक है, श्री परशुराम चतुर्वेदी ने कहा है, उसका प्रभाव फिर भी क्रमशः एक प्रेमी हृदय पर इतना गहरा हो जाता है कि वह अपने जीवन की सारी अन्य बातों की प्रति उपेक्षा प्रदर्शित करते हुए केवल अभिष्ट व्यक्तियों को अपना करके कह सकते हो कि वह संतोष की सांस लेने की सिवा अब कोई अपनी बात नहीं करता है। यही क्या है, बिल्कुल भैया हमको क्या हो जाना है, क्योंकि प्रेम के सौंदर्य में बिल्कुल खो जाना है जिस प्रकार से। ठीक है, यानी इसको पाने के लिए, यानी किसको पाने के लिए भैया, ईश्वर के प्रेम को पाने के लिए हो जाना है, फना हो जाना है। ठीक है, इसलिए उसे अपने घर पर रहने की रहते किसी भी सफलता की आशा नहीं रहती है, वह किसी परम
परमारस दाता की सहायता उसे छोड़े बाहर निकल पड़ता है, या तो वह योगी बन जाता है या कठिन मार्ग को होकर के भूलता भटकता रहता है। बिहड़ वनों में समुद्री रहने मनो नहीं, ईश्वर को पाने के लिए इधर उधर 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 घूमता रहता है। यानी क्या है, ईश्वर के प्रेम में उसको कठोर तपस्या करनी पड़ रही है और उसको एक प्रकार से घनघोर तपस्या करनी पड़ती है किसको पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, खुदा को पाने के लिए, अल्लाह को पाने के लिए। ठीक है, यानी जोगी बनकर के गोरखनाथ की जय बोलनी पड़ती है, तंत्र मंत्र रसायन के चक्कर में घूमना पड़ता है, अर्थात सलीका और साधक हर परीक्षा को खुद को तपा हुआ सोना सिद्ध करना पड़ता है। यानी आपको भैया ये आपको तपना पड़ेगा, तब जाकर के आपको क्या मिलेगा भैया, ईश्वर का प्रेम मिलेगा। ठीक है, पद्मावत के काव्य में पार्वती ने रतन सेन की प्रेम परीक्षा के बाद कहा कि यह खरा सोना है और प्रेम की आग में जल रहा है। यानी क्या भैया, आपको प्रेम अगर पाना है तो प्रेम की आग में आपको क्या करना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे अगर आप पार्वती और पद्मावत में इस बात को मलिक मोहम्मद जायसी इस बात को कहते हैं, तो अगर आप देखेंगे सूफी संतों ने खास तौर से ईश्वरीय प्रेम पर बल दिया। किसके प्रेम पर बल दिया जी, ईश्वर से प्रेम करने पर बल दिया, ईश्वर के प्रेम को पाने की क्या कहते हैं, वो बात कहते हैं। ठीक है, और ये आपको सूफी संत वाला जरूर आ सकता है, सूफी काव्य धारा आ सकती है, आपसे पूछा जरूर जा सकता है, जिसको आपको जरूर करके आना है। जो जो मैंने बताना यही सारा आज के लिए इम्पोर्टेंट है, जो जो मैं बताया इसको ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए। ऐसा कुछ नहीं सिर्फ प्रेम के बारे में सारा लिख देना, बिल्कुल फना हो जाना है। फना शब्द अगर समझ गए तो आपको आ जाएगा, यानी ईश्वरीय प्रेम की तरफ जाने की क्या करता है, बात करता है। सूफी संतों के बारे में बताया और सूफी संतों का प्रेम क्या है, यानी उनकी काव्य धारा में हम लोगों को क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, उन्होंने क्या बताया है, वही सारी चीजें इसमें बता रखी हैं। इस चैप्टर से मैं जरूर कह सकता कि आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। इसी के साथ सारांश के साथ हमारा चैप्टर भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, बाकी जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अभी देखो ओपन हो रहा है, ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जैसे मैंने आपसे बताया, मैंने पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर पढ़ा रखा है। बाकी आप इनकी वीडियो को भी जाकर के क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपको यहाँ पर सारा मिल जाएगा और बाकी चैनल पर लगातार आपको भी वीडियो देखने को मिल जाएगी। अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप मेरे से कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना होगा तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना। बाकी इसके अगले जो चैप्टर की क्लास है वो अभी हम अगले इसको बहुत जल्द करेंगे। बाकी आपको प्लेलिस्ट में इससे जितने भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टर की जो क्लास है आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिल भी जाएगी। ठीक है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और बाकी सब्जेक्ट बीएचडीसी 131 की जो मैराथन क्लास है वो भी आपको मैं एग्जाम से एक या दो तीन दिन पहले मैं आपको जरूर पढ़ा दूंगा। अगर कोई सवाल होगा तो कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझिए और एग्जाम आपका आराम से पास हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ओके।